Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जेट्रोफा प्लांट। ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके कई कलर्स के जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत सारी फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो पिंक कलर का है, डार्क पिंक कलर का। ये देखिए, ये देखने में काफ़ी स्मॉल होते हैं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि ये बंचेस की सूरत में निकलते हैं। ये देखिए, दो खिल गए हैं और कुछ जो है रह गए हैं, शाम तक जो है ये भी सारे खिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को और दिखाऊं तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल साइज़ के बहुत ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स होते हैं। ये देखिए, वैसे तो इसके फ्लावर्स जो है वो गर्मी सर्दी दोनों में ही आते हैं, लेकिन जो है गर्मियों में इसके फ्लावर्स ज़्यादा निकलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट्स में जगह जगह जो है इसके फ्लावर्स निकले हुए हैं और ये रोज़ाना डेली कम अज़ कम कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जो है इसके फ्लावर्स के अंदर ना हो, मतलब ये निकलते हैं, झड़ जाते हैं और फिर निकलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो है हमारे फ्लावर्स झड़ चुके हैं और मैं इसको जो है यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ। इस तरीके से इसको रिमूव कर देने से हमारा जो है वो प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है। अब इसके साइड में से जो है वो न्यू लीफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसकी एक और अच्छी मज़ेदार बात बताऊं तो देखिए, जैसे कि आप इसकी लीफ का कलर देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है, और अब मैं आप लोगों को बैक साइड से इसकी लीफ का कलर दिखाऊँ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही अलग है। आगे से इसका ग्रीन है और पीछे से इसका मैरून टाइप का सा ये कलर है। तो सारे प्लांट्स में हमारा ऐसा नहीं होता, ये इस प्लांट की अलग से खुसूसियत खास बात है कि इसके जो है वो बैक साइड से बिल्कुल अलग होता है लीफ का कलर, और फ्रंट से जो है इसके लीफ का कलर वो बिल्कुल ही अलग होता है। ये हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो है, हर जगह बहुत आसानी से लग जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे ज़मीन में मिट्टी में लगाते हैं तो ये पूरा ट्री बन जाता है बहुत बड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको पॉट के अंदर लगाते हैं तो ये उसके अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी जगह पे ही लगता है, ये छोटे से पॉट में भी बहुत आसानी से लग जाता है। मैं भी ये छोटा सा प्लांट ही लेकर आई थी और छोटे पॉट में लगाया था, फिर मैंने इसको देखिए आप अच्छे खासे बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया तो अब ये बिल्कुल ट्री की तरह का हो गया। ये देखिए किस कदर ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और जो है बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी हो रही है और ये काफ़ी जो है खुशी सा भी हो गया है। मैं कटिंग करती रहती हूँ इसकी, इसलिए जो है वो आपको सारे प्लांट्स की कटिंग करना ज़रूरी होती है। इसके अलावा इसको जो है ये सनलविंग प्लांट है, आप इसको जो है वो धूप में रखिए, जितनी ज़्यादा धूप में ये रहेगा उतना अच्छा से ग्रो करेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका पॉट जो है वो छोटा है तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे की सनलाइट के अंदर ही रखें, लेकिन अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है या बड़े पॉट में लगा हुआ है, जैसे कि मेरा बड़ा काफ़ी बड़ा पॉट है तो इसके ऊपर पूरे दिन की यहाँ पे धूप आती है। मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि ये पूरे दिन की इसको धूप आती है और ये उसी के अंदर ही बहुत अच्छे से चलता रहता है। इस तरीके से जब इसके लीफ जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं तो मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, बहुत इजी से ये रिमूव हो जाते हैं। और फिर हम इन लीव्स को फेंकेंगे नहीं बल्कि जमा करके या तो आप लीव का फर्टिलाइज़र बना लीजिए या फिर सिंपल आप ऐसे ही इसमें डाल दीजिए, क्योंकि इस प्लांट में आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आपको इस प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र रिजल्ट देगा वो लीव का ही फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, कंपोस्ट होता है लीव का ही, तो इसलिए आप अलग से बना लीजिए या फिर इसके अंदर से जो लीव्स निकलते हैं वो इसी में आप डालते रहिए, वो खुद ब खुद जो है अपनी ही मिट्टी के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे और फिर आप लोगों को कुछ दिनों बाद वो लीव्स पता भी नहीं चलेंगे। और अगर आप इसको जो है अपने घर में लगाना चाहते हैं इसकी मिट्टी इसकी सेंट तैयार करते वक्त, तो आप इसके कोई भी सेंट के अंदर ये बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन फिर भी 50% भालू मिट्टी और 50% गोबर की खाद के अंदर ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और मैंने भी यही यूज़ किया हुआ है और इसमें आप लोग लगाइए, ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।